हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक नर्सिंग कलेक्शन पर आज हम क्विज़ नाइन पे बात करेंगे क्विज़ एट तक के वीडियो आ चुके हैं नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उनमें से इमेज बेस और वीडियो बेस भी है दो क्विज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली एम्स के लिए आज हम क्विज़ नाइन पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वैक्सीन स्ट्रेन चेंज एवरी ईयर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैक्सीन का कौन सा स्ट्रेन है कौन सा टाइप है जो हर बार चेंज हो जाता है हर साल चेंज होता है ऑप्शन ए है मीजल्स बी है रूबेला सी है बीसीजी एंड डी है इन्फ्लुएंजा तो मीजल्स रूबेला और बीसीजी के वैक्सीन सेम लगाते हैं जबकि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हम नहीं लगाते हैं क्योंकि ये हमेशा चेंज होता है हिमोफ्लस इन्फ्लुएंजा लगाते हैं जबकि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन ये, ये इस्ट्रेन जो होता है वो हर साल या हर हर बार चेंज हो जाता है तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है इन्फ्लुन्जा का जो स्ट्रेन होता है वो चेंज होता है अगला क्वेश्चन है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कन्ट्राइंडेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो ट्यूबरकुलिन टीबी के अंदर दी जाती है ड्रग्स वो कॉन्ट्राइंडेटेड कौन सी होती है प्रेगनेंसी के दौरान ऑप्शन ए है आइसोनियाजिड बी है रिफाम्पिसिन सी है स्ट्रेप्टोमाइसिन और डी है इथामब्यूटोल तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो कॉन्ट्राइंडेटेड होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इसी एक यही एक ड्रग होती है इंटरट्यूबिकुलर ड्रग जो इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती है तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगला क्वेश्चन है इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन ऑफ द काफ मसल्स इज ड्यू टू काफ मसल्स में इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन या पेन जो होता है पेन को डिस्क्राइब करता है क्लाउडिकेशन वो क्यों होता है किसकी वजह से होता है ऑप्शन ए है इनएडिक्युट मसल ऑक्सीजनेशन बी है इनएडिक्युएट वेनस रिटर्न ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड सी है इनएडिक्युएट मसल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज डी है इनएडिक्युएट ग्लूकोज अपटेक बाई द मसल्स तो इंटरमीडिएट जो क्लाउडिकेशन होता है वो एक क्रैम्प या नंबरनेस या सेंस ऑफ फटी का एक फटीक को डिस्क्राइब करता है जो इनएडिक्वेट मसल ऑक्सीजनेशन की वजह से होता है ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है जब थोड़ा सा भी हम चल लेते हैं जब ऑक्सीजनेशन नहीं होता प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होता मसल्स में तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करने पर या थोड़ा सा चलने पर भी हमें दर्द होता है उस जगह पर जहाँ पर ऑक्सीजनेशन नहीं है तो उसको इंटरमिटेंट क्लाउडीकेशन बोलते हैं ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है एच फाइव एन वन इज एच फाइव एन वन क्या है कौन सा वायरस है जो किसके लिए जिम्मेदार होता है ऑप्शन ए है बर्ड फ्लू वायरस बी है वैक्सीन फॉर एच आई वी सी है कोजिटिव एजेंट फॉर जेपनीज एंसेफेलाइटिस एंड डी है एन इरेडिकेटेड वायरस तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है एच फाइव एन वन बर्ड फ्लू होता है जबकि एच वन एन वन स्वाइन फ्लू के लिए जिम्मेदार होता है जिम्मेदार वायरस है अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन इटियोलॉजिकल एजेंट फॉर अक्यूट ब्रोंकिटिस इन इन्फेंसी इज मोस्ट कॉमन इटियोलॉजिकल एजेंट या पॉजिटिव फैक्टर कौन सा है ब्रोंक्ोलाइटिस के लिए जो इन्फेंसी में होता है ब्रोंक्लोलाइटिस उसके लिए मोस्ट कॉमन इटियोलॉजिकल कारण क्या है तो ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा वायरस बी है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस सी है राइनो वायरस और डी है रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस तो वायरस तो सारे ही कर सकते हैं ब्रोंक्ोलाइटिस तो कोज सारे ही वायरस कर सकते हैं चारों के चारों लेकिन मोस्ट कॉमन की बात करें तो डी ऑप्शन राइट है रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस मोस्ट कॉमनली ब्रोक्यो ब्रोंकिटिस कोज कर सकता है इन्फेंसी में तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स मम्स का कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है ऑप्शन ए है ओरकाइटिस एंड ऑफेराइटिस बी है एंसेफेलाइटिस सी है न्यूमोनिया और डी है माओकार्डाइटिस तो ऑप्शंस की बात करें ए की बात करें तो वो राइट right ऑप्शन है राइट right आंसर भी है ठीक है ए जो मेल की बात करें अगर तो मेल में मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो है ओरकाइटिस मतलब इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस टेस्टिस में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन को ओरकाइटिस बोलते हैं और ये मेल के अंदर कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है अगर फीमेल की बात करें तो ओफेराइटिस कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ओफेराइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन इन ओवरीज ओवरीज के अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ओफेराइटिस बोलते हैं ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकिया रुब्रा इज लोकिया रुब्रा का कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है लोकिया रुब्रा किस प्रकार का होता है ऑप्शन ए है पिंक ब्राउन विद फ्लैसी ऑर्डर बी है येलो वाइट कलर सी है फॉल ऑर्डर और डी है ब्लडी विद फ्लैसी ऑर्डर तो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ डी राइट ऑप्शन है ब्लडी होता है रुब्रा का मतलब लाल होता है तो ब्लडी विद फ्लैसी ऑर्डर होता है फ्लैसी जो उसका स्मेल होती है वो होती है और ब्लडी उसका कलर होता है रेड कलर का तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है लोकिया की बात करें तो तीन टाइप का लोकिया होता है लोकिया रुब्रा लोकिया सिरोसा और लोकिया एल्बा तो रुब्रा जो होता है वो फर्स्ट फोर डेज़ के लिए आता है ठीक है चार दिन के लिए आता है जो ब्लड होता, होता है उसके अंदर डेसीडुआ होता है वनिक्स केजियोसा वगैरह होता है वो रेड कलर का होता है इसलिए इसको रुब्रा बोलते हैं अगला है जो लोके सिरोसा होता है वो ब्राउन पिंक कलर का होता है ब्राउन कलर का होता है पिंक कलर होती है ठीक है जो इसके अंदर जो होता है वो एक्सुडेट होता है ठीक है, है एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ल्यूकोसाइट्स होते हैं ठीक है, है। सर्वाइकल म्यूकस होता है तीसरा होता है एल्बा लोकिया एल्बा जो वाइट वाइटिस येलो कलर का होता है जो दस से चौदह दिन के लिए होता है ठीक है जिसमें एपिथेलियम होता है कोलेस्टेरोल होता है लास्ट का जो बचा हुआ है यूट्रस के अंदर कोलेस्टरोल है एपिथेलियम है वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं एल्बा के अंदर तो ये तीन टाइप के लोकिया होते हैं यहाँ पूछ रहा था लोकिया रुब्रा, तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है ब्लडी विद फ्लैसी ऑर्डर होता है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रूटीनली गिवन इन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के अंदर रूटीनली जो दी जाने वाली वैक्सीन है वो कौन सी है ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा बी है ओरल पोलियो सी है टिटनस और डी है रेबीज़ तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है सी जो है टिटनस जो होता है वो रूटीनली दी जाती है प्रेगनेंसी के अंदर और अगर हम बात करें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की तो सबसे पहले वैक्सीन कौन सी दी जाती है तो वो भी यही है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर अगर पूछा जाए कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की फर्स्ट वैक्सीन जो एडमिनिस्टर करी जाती है वो कौन सी है तो प्रेगनेंसी के अंदर टिटनस जो होती है वो सबसे पहले दी जाती है तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है विच ऑपथेलमिक डायग्नोस्टिक टेस्ट मीजर द इंट्राओकुलर प्रेशर इंट्राओकुलर प्रेशर को मीज़र करने के लिए कौन सा ऑपथेलमिक या कौन सा आँख के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो यूज़ करते हैं ऑप्शन ए है टोनोमेट्री बी है पेरीमेट्रिक सी है गोनियोस्कोपी एंड डी है एम्सलार ग्रेड तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है टोनोमेट्री जो होता है वो उपथेलमिक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो इंट्राओकुलर प्रेशर के लिए हम यूज़ करते हैं जो इंट्राओकुलर प्रेशर को मीजर करता है ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है टोनोमेट्री अगला क्वेश्चन है विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड क्रेनियन नर्व पूछ रहा है थर्ड नंबर की क्रेनियन नर्व का नाम क्या है कौन सी है ऑप्शन में से ऑप्शन ए है ओक्यूलोमोटार नर्व बी है ऑप्टिक नर्व सी है एबडूसेंस नर्व एंड डी है ट्रोक्लियर नर्व तो थर्ड टाइप की जो होती है वो मोटार नर्व है मोटार नर्व है ओक्यूलो मोटार नर्व है तो ए ऑप्शन जो है वो राइट right आंसर है थर्ड क्रेनियल नर्व है जिसका नाम है ओक्यूलो मोटार ये मोटार नर्व है सेंसरी और मोटार दोनों काम करती हैं सॉरी केवल मोटार जो आई आई के मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है तो ओकिलोमोटार है डी ऑप्शन है वो ट्रोक्लियर है चार नंबर की है सी है एबडुसेंस है छः नंबर की है और बी बी जो ऑप्शन है ऑप्टिक नर्व वो दो नंबर की है तो यहाँ राइट ऑप्शन है ए ओक्यलोमोटार नर्व थर्ड टाइप की क्रेनियल नर्व है अगला क्वेश्चन है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट नर्स इज प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू ए फोर्टी ईयर ओल्ड पर्सन रिगार्डिंग द लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन टू प्रिवेंट हाइपर टेंशन वॉट लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज द नर्स प्रोवाइडिंग एक पेशेंट है ओ पी डी में आया है चालीस साल का है हाइपर टेंशन से रिलेटेड नर्स उसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोल रही है तो वो कौन से प्रिवेंशन में आएगा कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा जो नर्स उसको मॉडिफिकेशन के लिए जो एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करी है वो किस टाइप के प्रिवेंशन में आएगा ऑप्शन ए है सेकेंडरी प्रिवेंशन बी है क्वाटेरा क्वाटररी प्रिवेंशन सी है प्राइमरी प्रिवेंशन और डी है टर्सरी प्रिवेंशन तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है हेल्थ एजुकेशन जिसमें हम मॉडिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं उसके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं हाइपर को प्रिवेंट करने के लिए तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है प्राइमरी प्रिवेंशन अगला क्वेश्चन है रेस्पायरेशन विच इज़ एबनॉर्मली स्वेलो फॉर टू और थ्री ब्रीद फॉलोड बाई इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया स्टा टर्म एज रेस्पिरेशन है एबनॉर्मल रेस्परेशन है स्वेलो है दो या तीन रेस्परेशन के बाद में दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है इसलिए इसको इरेगुलर एपनिया बोल रहे हैं बीच बीच में रेस्परेशन रुक भी रहा है तो एपनिया तो इसको क्या नाम देंगे हम ऑप्शन ए हैं कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन बी है बियर्स रेस्पिरेशन सी है हाइपोवेंटिलेशन और डी है चाइनेट्रोक स्ट्रोक रेस्पिरेशन अगर स्ट्रोक रेस्पिरेशन की बात करें तो वहां पर रेगुलर एपनिया होता है तो ये तो नहीं हो सकता इेगुलर एपनिया है यहाँ तो तो ऑप्शन बी राइट आंसर है रेस्पिरेशन के अंदर स्वेलो रेस्पिरेशन होता है और इरेगुलर एपनिया होता है बीच बीच में एपनिया होता है लेकिन इरेगुलर पीरियड में होता है ऑप्शन बी राइट आंसर है बियोर्स रेस्पिरेशन है ये अगला क्वेश्चन है वो टाइप ऑफ पेल्विस इज़ गुड फॉर चाइल्ड बियरिंग चाइल्ड बियरिंग के लिए कौन सा पेल्विस अच्छा होता है सही होता है ऑप्शन ए है गाइनकॉयड बी है एंथ्रोपोइड, सी है एंड्रॉयड और डी है प्लेटिपलॉयड यहाँ बियरिंग का मतलब है जब बच्चा प्रेगनेंसी में या फिटनेस कंसेप्शन डेवलप होता है तो उसके लिए बेस्ट जो पेल्विस होता है वो किस टाइप का होता है तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है गाइनेकोइड पेल्विस मोस्ट कॉमन पेल्विस होता है जो चाइल्ड बियरिंग के लिए बेस्ट होता है जिसका शेप जो होता है वो लगभग राउंड शेप होता है मेल की बात करें तो मेल में एंड्रॉइड टाइप का होता है हर्ट सेप का होता है एंथ्रोपोइड जो होता है वो लॉन्ग ओवेल होता है और प्लेटी पलॉड जो होता है वो किडनी शेप का होता है तो बेस्ट जो होता है चाइल्ड बियरिंग के लिए वो गाइनेकोइड पेल्विस जो होता है वो बेस्ट होता है ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस रोटा वायरस का रूट कौन सा है एडमिनिस्टर करने का ऑप्शन ए है इंट्रामस्कुलर बी है सबक्यूटेनियस सी है इंट्राडर्मल और डी है ओरल तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है रोटा वायरस को ओरली दिया जाता है जो रोटा वायरस की वजह से डायरिया होता है उसको प्रिवेंट करता है रोटा वायरस वैक्सीन इसकी पांच बूंद जो है ओरेली दी जाती है पांच बूंद के अंदर एक एम होता है तो हम ओरेली उसकी पांच बूंद देते हैं ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट ट्रांसवर्स डायामीटर ऑफ फिटल स्कल इज इस। फिटल स्कल का ट्रांसवर्स डायामीटर जो सबसे छोटा है कौन सा है ऑप्शन ए है बाईपेराइटल बी है बाई टेम्पोरल सी है सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक और डी है ऑक्सीपिटो फ्रंटल तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है बाई टेम्पोरल ट्रांसवर्स डायमीटर है जो सबसे छोटा होता है आठ सेंटीमीटर का होता है इससे भी छोटा होता है बाई मेस्टोइड लेकिन यहाँ बाई मेस्टोइड नहीं है तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है बाई टेम्पोरल अगर हम एंटेरोपोस्टीरियर की बात करें तो जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है शोर्टेज डायमीटर सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक होता है तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है शोटेज ट्रांसफर्स डायमीटर होता है टेम्पोरल डायमीटर अगला क्वेश्चन है एंडोक्राइनोलॉजी और प्रेगनेंसी द सोर्स ऑफ एच सी जी एंड एच पी एल इज एच सी जी और एच पी एल का सोर्स क्या है प्रेगनेंसी के दौरान कहाँ से सिक्रेट होते हैं ऑप्शन तो ए है प्लासेंटा बी है मदर सी है फिटस और डी है मिक्स ओरिजन तो ऑप्शन ए राइट आंसर है प्लासेंटा से ही सिक्रेट होते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्ट्रोजन दोनों ही प्लासेंटा से सिक्रेट होते हैं ऑप्शन ए राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ ए बेबी इज स्टेज ऑफ एज कौन से स्टेज है जिसमें कंप्लीट डायलेशन से शुरू होती है और बेबी के बर्थ तक चलती है ऑप्शन ए है स्टेज फर्स्ट बी है स्टेज सेकंड, सी है स्टेज थर्ड एंड डी है स्टेज फोर्थ तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है स्टेज सेकंड के अंदर फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से चलता है और बर्थ बेबी के बर्थ तक यही स्टेज चलती है फर्स्ट स्टेज जो होती है वो ट्यू लेबर पेन से स्टार्ट होती है और फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक रहती है थर्ड स्टेज जो होती है बर्थ ऑफ बेबी से स्टार्ट होती है और बर्थ ऑफ या एक्सपलसन ऑफ प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन तक चलती है और फोर्थ स्टेज जो होती है एक्सपलसन ऑफ प्लासेंटा या मेमब्रेन से इस्टार्ट होकर ऑब्जर्वेशन तक चलती है जो ऑब्जर्वेशन होता है सिक्सटी मिनट का होता है लगभग सिक्सटी मिनट हम ऑब्जर्व करते हैं माँ और बेबी को तो ये फोर्थ स्टेज में आता है तो ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर है सेकेंड स्टेज है फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ बेबी अगला क्वेश्चन है एनाफाइलेक्टिक शॉक इज ट्रीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एनाफाइलेक्टिक शॉक किस ड्रग से ट्रीट किया जाता है ऑप्शन ए है एड्रीन बी है प्रोपेनोलोल सी है एनाप्राल एनालाप्रिल और डी है डिगोक्सिन तो ऑप्शन ए राइट आंसर है एड्रीनलिन एनाफाइल्टिक शोक में दिया जाता है एनाफाइलेक्टिक शोक जब कोई भी एलर्जिक शोक होता है एलर्जी की वजह से शोक होता है तो उसको हम एनाफाइलेक्टिक शोक बोलते हैं और उसके अंदर एड्रीनैलिन दिया जाता है ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है अ पेशेंट विद इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज रिसीविंग मैनीटोल टू इवाल्वेट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस ट्रक दस शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोविंग क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पेशेंट है ठीक है जो इंट्राग्रेनियल प्रेशर उसमें ज़्यादा है जो मैनीटोल उसको दे रहे हैं हम ठीक है रिसीव कर रहा है मैनीटोल को तो मैनीटोल की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए या मीज़र करने के लिए हम पेशेंट के अंदर कौन सा सिम्टम्स देखेंगे ऑप्शन ए है डिक्रीज पल्सरेट बी है इंक्रीज टेम्परेचर सी है इंक्रीज यूरिन आउटपुट और डी है इंक्रीज प्यूपिलरी रिएक्शन तो ऑप्शन सी आ राइट आंसर है इंक्रीज़ यूरिन आउटपुट क्योंकि मैनीटोल जो होता है वो डाईयूरेटिक होता है मतलब यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है तो उसका इफेक्टिवनेस तभी आएगा जब यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है जब यूरिन आउटपुट बढ़ गया इसका मतलब है मैनीटोल काम कर रहा है इफ़ेक्टिव है उसके बॉडी के लिए ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है लेकुलोज ट्वेंटी ग्राम इज टू बी एडमिनिस्टर टू ए पेशेंट द्रो गैस्ट्रिक ट्यूब गैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू हम लेक्टोलोज ट्वेंटी ग्राम दे रहे हैं एक पेशेंट को ठीक है ऑन हैंड इज लेक्टोलोज सिरप टेन ग्राम पर फिफ्टीन एम एल जबकि अपने पास जो है फिफ्टीन एम एल के अंदर जो सिरप है वो पंद्रह एम एल की है उसके अंदर दस ग्राम ही है तो कितना एम हम उस पेशेंट को देंगे नर्स कितना एम उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करेगी ट्वेंटी ग्राम के लिए अगर दस ग्राम पंद्रह एम में है ठीक है तो पंद्रह एम को अपने को देना है बीस ग्राम दस ग्राम पंद्रह में है तो बीस ग्राम तीस एम में होगा मतलब उसका दोगुना होगा दो सिरप हो जो है हम उसको देंगे लगभग थर्टी एम हम उसको देंगे ट्वेंटी ग्राम के लिए तो ऑप्शन डी राइट आंसर है थर्टी एम हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे लेक्टूलोस ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है ए पेशेंट विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज गिवन डिजिटेलिस विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजिटेलिस टॉक्सिसिटी एक पेशेंट है जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसको डिजिटेलिस चल रहा है उसका मैनिफेस्टेशन क्या होगा अर्ली मैनिफेस्टेशन ठीक है डिजिटेलिस टॉक्सिसिटी का ऑप्शन ए है हाइपोक्सेमिया बी है ब्रेडिकार्डिया सी है नोजे एंड और डी है गायने को मेस्टिया तो अर्ली मैनिफेस्टेशन की बात करें तो डिजिटेलिस की टॉक्सिसिटी की वजह से नोजा एंड वॉमिटिंग होता है तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है नोज़िया एंड वॉमिटिंग उसको हो सकता है अर्ली मैनिफेस्टेशन है अगला क्वेश्चन है द मोस्ट लाइकली सिस्टेमिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टेटिक कार्सिनोमा इंक्लूड पूछ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी चल रही है किसी पेशेंट को तो एडवर्स इफेक्ट क्या होगा जो सिस्टेमिक एडवर्स इफेक्ट होता है वो क्या होगा ऑप्शन ए है एसाइटिस बी है निस्टेगमस सी है ल्यूकोपेनिया और डी है पोलिसाइथेमिया अगर हम कॉम्बिनेशन दे रहे हैं कीमोथेरेपी का तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है बोन मेरो का डिप्रेशन हो जाता है और उसकी वजह से जो ब्लड सेल्स है वो नहीं बन पाती तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा क्योंकि पोलिसाइथेमिया में तो बहुत सारी जो ब्लड सेल्स है वो बन रही है जबकि यहाँ तो बोन मेरो डिप्रेशन की वजह से ब्लड सेल बनेगी ही नहीं तो डी तो नहीं होगा एस होगा लेकिन ये लेट कॉम्प्लिकेशन है रिटर्न कम होएगा जो परमिएबिलिटी है वेंस की वो बढ़ जाएगी इसकी वजह से जो प्लाज्मा है वो छन छन के बाहर निकल जाएगा और पेरिटोनियल कैविटी में इकट्ठा हो जाएगा उसको एसाइटिस बोलेंगे बी है निस्टेगमस निस्टेग्मस का मतलब होता है इन्वॉल्यूनट्री मोवमेंट होता है एबॉल का जो भी नहीं होगा लेकिन सी ऑप्शन यहाँ राइट ऑप्शन है ल्यूकोपेनिया है डब्लू है वो कम रहेगी क्योंकि बोन बॉन डिप्रेशन की वजह से डब्लू बन ही नहीं रही तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है ल्यूकोपेनिया उसको होगा एडवर्स इफेक्ट है सिस्टेमिक एडवर्स इफेक्ट है कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी का ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी का पॉजिटिव साइन कौन सा है ऑप्शन ए है एमेनोरिया बी है क्वेकनिंग सी है विजुअलाइजेशन ऑफ फिटस बाई अल्ट्रासाउंड और डी है यूटेराइन एनलार्जमेंट तो ऑप्शन यहाँ पॉजिटिव साइन की बात करें तो सी ऑप्शन राइट है विजुअलाइजेशन ऑफ फिटस बाई अल्ट्रासाउंड अगर हम यूएस के द्वारा फिटस के फिटर्स को विजुलाइज करते हैं तो वो एक पॉजिटिव साइन है इसके अलावा एम एन सब्जेक्टिव साइन है जो बी और डी ऑप्शन है वो ऑब्जेक्टिव साइन है प्रोबेबल साइन है ट्विकनिंग और यूटेराइन एनलार्जमेंट अगला क्वेश्चन है अ चाइल्ड इज बींग डिस्चार्ज फ्रॉम द इमरजेंसी विद द डायग्नोसिस ऑफ अक्यूट ग्लोमेलो नेफ्राइटिस विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड ए नर्स इंक्लूड इन द होम केयर प्लान एक पेशेंट है बच्चा है ठीक है जिसको ग्लोमलोनेफ्राइटिस है जो इमरजेंसी वार्ड के अंदर है जो डिस्चार्ज हुआ है अभी अभी ठीक है तो उसके लिए नर्स घर के लिए क्या केयर प्लान करेगी ऑप्शन ए है रेस्ट्रिक्ट फ्लूड इनटेक बी है वेट डेली सी है मेंटेन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट और डी है लिमिट विजिटर्स यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर है वेज डेली मेजर करेगी करने के लिए बोलेगी घर वालों को कि डेली वेट को मीज़र करें क्योंकि ग्लोमेलोनेफ्राइटिस है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के और फ्लूड इम्बेलेंस का एक कारण है फ्लूड इम्बेलेंस की वजह से वेट जो है जल्दी से गिर जाता है अगर फ्लूड कम होता है बॉडी के अंदर तो वेट अपना कम रहेगा तो हम उसको बोलेंगे कि तू वेट जो घर वालों को बोलेंगे कि आप लोग वेट को डेली मीज़र करो और लिखो कम नहीं होना चाहिए वेट और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्लूड जो है ओवरलोड हो सकता है उसके तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोविंग नर्सिंग डायग्नोसिस वुड बी गिवन प्रायोरिटी इन द केयर प्लान ऑफ ए न्यू बॉर्न एट वन आवर ऑफ एज एक घंटे का बच्चा है उसकी जो एज है न्यू बॉर्न की वो एक घंटा है अभी एक घंटे पहले ही उसका बर्थ हुआ है तो उसके लिए प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगा ऑप्शन ए है रिस्क फॉर इन्फेक्शन बी है अल्टर्ड न्यूट्रिशन सी है इनफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन और डी है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी तो एक घंटे का बच्चा है उसको हाइपोथर्मिया का प्रॉब्लम मोस्टली रहेगा तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है, है इनफेक्टिव थर्मो रेगुलेशन जो है नर्सिंग प्रायोरिटी हम उसको देंगे इनफेक्टिव थर्मो रेगुलेशन की एक घंटे का बच्चा है क्योंकि उसको हाइपोथर्मिया का चांस रहता है तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है और जो हम नर्सिंग डायग्नोसिस यूज़ करते हैं वो नंदा का यूज़ करते, है, यूज करते हैं एन ए डी सॉरी एन ए एन डी ए का यूज़ करते हैं नंदा नर्सिंग ठीक है नर्सिंग नंदा का यूज़ करते हैं तो प्रायोरिटी जो होता है नर्सिंग डायग्नोसिस वही हम देते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं उसके हिसाब से नर्सिंग डायग्नोसिस हम बनाते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना थैंक यू